माय चैनल। आज आपको फिर से एक नए ब्लॉग में लेके चल रही हूँ। आज मैं आपको राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में हवा महल दिखलाऊंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए मेरे साथ। मैम, आप बता रही थी कि जयपुर गई है। जिस दिन आप जयपुर गई हुई थी, तो जयपुर के बारे में आप हवा महल के बारे में आज बताना चाह रही है, दिखाना चाह रही है। तो हवा महल के सामने हम आपको देख पा रहे हैं, और हवा महल के सामने देख करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप गई थी हवा महल के पास, और हवा महल कैसा लगा आपको, दिखने में कैसा लगा हवा महल? पहले तो बहुत खूबसूरत है वो महल, उसके बाद उसमें मतलब वो देखने में मधुमक्खी के छत्ता के आकार का दिखता है। ऐसे दूसरे शब्दों में भी उसे देखा जाए तो वो मुकुट की तरह भी दिखता है, राजमुकुट की तरह। बहुत खूबसूरत है अपने आप में, वही देख करके तो बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया उसको देख करके। मैम, ये जो महल है हवा महल, इसका नाम हवा महल क्यों पड़ा? कोई खास बात इसमें आपने अनुभव किया होगा कि इसका नाम हवा महल रखा गया? ये हवा महल इसलिए इसका नाम पड़ा कि इसमें बहुत सारे झरोखे हैं, और झरोखे से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो वहाँ पे झरोखा जो है लगभग 1000 झरोखा है। 1000 झरोखा? 1000 झरोखा है। और ऐसे एग्जैक्ट फिगर में बताया जाए तो 953 झरोखा है। तो झरोखा पे रानियां घूमने जाती थी, कि खिड़कियों को वहाँ लोग झरोखा बोलते हैं, और झरोखे से पूरा मतलब बाहर पूरा सिटी दिखता है, तो बहुत खूबसूरत है। तो ये झरोखे रानियों के लिए खास करके बनाया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो रानियां झरोखे से बाहर देखती भी होंगी? बिल्कुल, वो हर गतिविधि पे नज़र रखती थी, बाहर क्या होता है नहीं होता है, बाहर की गलियों में जो गतिविधियां हैं उसको रानी जो है सो इन झरोखों से निहारती थी। बिल्कुल। और झरोखे इस तरह से खुद ही दिख रहे हैं कि रानियां तो बाहर के गतिविधि को देख पा रही थी, लेकिन बाहर से कोई रानियों को नहीं देख पा रहा था, इसलिए ये खास करके बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही उसका खासियत था कि रानी को कोई बाहर से ना देखे, और रानी बाहर का हर कुछ देख के एंजॉय करती थी। तो उतना खूबसूरत महल है, इतने झरोखे हैं, तो रानी को फिर बाहर जाने का क्या जरूरत है, वो अंदर से ही तो हर कुछ देख लेती थी। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत रही है, बहुत आकर्षक है यहाँ का, सिर्फ झरोखे ही झरोखे हैं। बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। ऐसा लग रहा है इस सब में घूमते हुए महल में, मतलब लगता है जैसे देख करके हमको तो बहुत मतलब लगता है जैसे इसको निहारते रहे, और ये झरोखा से बाहर देखते हैं ना
इतना अद्भुत लगता है, बहुत आकर्षक है। चलिए अभी और ऊपर चलते हैं। ये इसके हम लोग टॉप पर आ गए, हवा मार के टॉप पर। मैम आज आप जयपुर के बारे में बताई, अब जयपुर गई हुई थी तो जयपुर के बारे में, हवा महल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि और भी जयपुर के फोर्ट ओवर को आप आने वाले ब्लॉग में एक्सप्लोर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और आप एसनेस चैनल पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हम लोगों ने आपके राजस्थान के ब्लॉग्स एसनेस पर काफ़ी पसंद किए हैं लोगों ने। तो आजकल आप तो आजकल आपके इस नेक्स्ट ब्लॉग पर कौन कौन से ब्लॉग्स आ रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइएगा। अभी तो बेंगलोर ट्रिप वाला वीडियो सब आ रहा है, अभी विशाखापट्टनम सी बीच का भी वीडियो रिलीज हो चुका है। वहाँ पे बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण जी का भी प्रतिमा बना हुआ था। विशाखापट्टनम में वृंदावन ऐसा जो है सो फील आता है, एकदम लगता था ऐसे वृंदावन का ही वो सीन है। इतना आनंद आया, बहुत मस्ती की है हम लोगों ने। और कौन से ब्लॉग आने आ रहे हैं विशाखापट्टनम के? विशाखापट्टनम के हाँ कैलासा पर्वत, कैलासा पर्वत पर कोई टेंपल है क्या? शंकर पार्वती जी का। अच्छा, शंकर जी पार्वती जी का ऐसा प्रतिमा है, लगता है वो बिल्कुल साक्षात है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा, मैं तो उनका भक्त हूँ, मन तो वहाँ से आने का कर ही नहीं रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, इतना तो बहुत देर तक वहाँ बैठ के निहारती रही, बहुत खूबसूरत है। तो आने वाले समय में आप उन ब्लॉग्स के बारे में भी बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे। तो मैम आज शाही राजस्थान के जयपुर की हवा महल को देख करके तो बहुत अच्छा फील हुआ, आप बताइए। बहुत ये वीडियो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।